नमस्कार, वेद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबर। रामपाल की पत्नी और बेटे के नाम पर करोड़ों का कारोबार। स्वयंभू संत रामपाल के राज और कारनामे परत दर परत धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। हर नया राज चौंकाने वाला साबित हो रहा है। अब पता चला है कि हिसार आश्रम के अंदर तैनात निजी सुरक्षा कमांडो के बल पर शासन और प्रशासन को छकाने वाला रामपाल राज्य के बाहर भी अपनी जड़ें जमाने में लगा हुआ था। वह अध्यात्म की आड़ में अपना कारोबार फैला रहा था। रामपाल की पत्नी और बेटा बेंगलुरु में एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहे हैं। करोड़ों के टर्नओवर वाली इस कंपनी में उनके पास 2006 में 450 गाड़ियां थीं, जो अब 1000 के करीब बताई जा रही हैं। आप चाय वाला, मैं चाय वाला, चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के चाईबासा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप चाईबासा हैं और मैं चाय वाला। आदिवासी बहुल इलाके में मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का कभी भला नहीं किया, हमेशा आदिवासी नौजवानों को नुकसान पहुंचाने का ही प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राज्य में नौजवानों के लिए रोजगार बढ़ाने की संभावनाओं पर काम हो रहा है, मैं उन्हें रोजगार के लिए परिवार से दूर नहीं होने दूंगा। सहारा की मुसीबतें बढ़ी, छापे में मिले 135 करोड़। आयकर विभाग का दावा है कि उसने कर चोरी के आरोपों के संबंध में सहारा समूह के दिल्ली और नोएडा परिसरों में छापेमारी के दौरान 135 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं। सूत्रों ने कहा कि यह विभाग द्वारा जब्त बड़ी रकमों में से एक है और इस दौरान 1 करोड़ रुपए के मूल्य के आभूषण मिले। दूसरी ओर सहारा समूह ने कहा कि आपने जिस राशि का जिक्र किया है वह सही नहीं है।